मोदी के लहर में सब जीत जाएगा। आप हंसते हुए क्यों कह रहे हैं, मतलब मजाकिया? नहीं यार मजाकिया नहीं, कि नाम बीजेपी का है पीछे और बीजेपी के नाम से वोट आ रहा है लोगों के पास। वो तो खैर एक चुनावी मुद्दा है। केवल योगी जी का जब नाम आता है तो क्या ख्याल आता है आजमगढ़ में, लोग क्या सोचते हैं योगी जी को लेकर? दहशत? ऐसा तो नहीं है कि आस्था को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए, लेकिन हमारे बीजेपी के द्वारा ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और भी सरकारें आई, लेकिन ये चीज पे कभी तो सुप्रीम कोर्ट सुनाई सर जी बिल्कुल दलील तो जो है तमाम शंकराचार्य वगैरह और जो वहाँ पे वकील थे वकालत उन्होंने की जी बिल्कुल 50-50 लगा, क्योंकि आधा वोट तो सीधे बीजेपी के नाम पे आता है। सीधी वजह जितने अंधा भक्त है बीजेपी के नाम पे वोट देते, क्योंकि उनको विकास से मतलब है। सीधी नीतीश कुमार को लेके यही कहेंगे पलटू पलटू, कभी पलट सकते हैं। ऐसे नेता को जरूरत है ना गाली देकर भगाने की जरूरत है। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह, और अभी हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ में। और आजमगढ़ में जरा सा ये समझने का कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से भाजपा ने निरहुआ को यहां से सांसद का उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव हुआ था तो फिर से जो है कहीं ना कहीं भाजपा ने यहाँ पे एक बार वर्चस्व अपना कायम किया, एक बार निरहुआ जो है यहाँ से जीत दर्ज किए। और कल जो है यहाँ पे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने मोदी जी आ रहे हैं, ये चौराहे पे रुके गए थे। जरा सा समझ लेते हैं चाचा जी लोग से क्या माहौल है आजमगढ़ का, क्या माहौल है चाचा जी? आजमगढ़ का माहौल बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ निरहुआ जीत जाएगा भाई, निरहुआ जीत जाएंगे। हाँ जीत जाएगा यहाँ से, निरहुआ जीत जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि ये जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो निरहुआ तो इसे गलती से जीत गए थे। नहीं नहीं, मोदी की लहर में सब जीत जाएगा, मोदी की लहर में सब जीत जाएंगे। कल आपके क्षेत्र में मोदी जी आ रहे उद्घाटन करने, क्या कहेंगे? अरे यार मोदी को शाबाशी दिया जाएगा, मोदी मोदी ऐसा प्रधानमंत्री कौन है यहाँ, मोदी ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं, विश्व विश्व लोकप्रिय। हाँ तो आप हंसते हुए क्यों कह रहे हैं, मतलब मजाकिया? नहीं यार मजाकिया नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ ऐसे ही हैं कि मजाकिया नहीं, मजाकी नहीं, सही कह रहे हैं कि सही 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 है। कुछ युवा भी है, क्या नाम है सर आपका? सरफराज आलम। सरफराज जी, सरफराज जी ये बताइए आजमगढ़ में क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर? माहौल तो देखने में थोड़ा सा मतलब ठीक ही लग रहा है, वैसे मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इस सब चीज़ों में, पॉलिटिक्स में उतना। निरहुआ को तो जानते हैं ना? हाँ निरहुआ क्षेत्र के हैं। हाँ तो कैसा लगता है, उनका 1.5-2 साल हो गया उनको कार जो है उनका शुरू होते हुए जब से जीते हैं उपचुनाव, कैसा लग रहा है कार्यकाल, कैसा देख रहे हैं उनका? कार्यकाल तो अच्छा ही चल रहा है, वैसे कॉलेज में भी आए हुए थे यहाँ पे तो वहाँ की भी थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी हो गई है, तो अपने कॉलेज के अगर उससे नज़रिए से देखें तो मेरे लिए तो अच्छा ही हो रहा है। अच्छा हो रहा है। अच्छा आज हम सर आप मोबाइल चला रहे हैं, ज़रा एक सेकंड बात कर लिया जाए, ये बताइए कि आजमगढ़ में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्या लगता है निरहुआ एक बार फिर से जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल कहा तो जाता है, लेकिन जिस हिसाब से पिछला उनका रिजल्ट है निरहुआ जी का, उस हिसाब से देख के तो लगता ही है कि इस बार बीजेपी का ही, बीजेपी फिर से जीतेगी। बिल्कुल, मान लीजिए अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे तब टक्कर हो सकती है, रिजल्ट नहीं बता सकते, टक्कर हो सकती है रिजल्ट। अरे अखिलेश यादव तो बड़े चेहरे हैं उनके आगे कर, बिल्कुल बड़े चेहरे हैं ये मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन टक्कर हो सकती है क्योंकि नाम बीजेपी का है पीछे और बीजेपी के नाम से वोट आ रहा है लोगों के पास। किसको वोट करने वाले हैं आप, क्या नाम है आपका, नाम बता दीजिए? गौरव उपाध्याय। गौरव उपाध्याय जी आप किसको वोट करने वाले हैं, मतलब पूछा तो नहीं चाहिए लेकिन बता दीजिए एक बार किसको वोट करने वाले हैं? फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। तो एक बार फिर से ये लग रहा है कि जो 1-2 साल 2.5 साल निरहुआ को वक्त मिला है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। बिल्कुल, जैसे मतलब मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ लेकिन मैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में का स्टूडेंट हूँ, मतलब जिस हिसाब से इस एरिया को डेवलप किया गया है उस हिसाब से लोगों में तो लग रहा है कि फिर से एक बार और आएगी सर के, बिल्कुल आना चाहिए। कल मोदी जी आ रहे हैं इस क्षेत्र में, कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी को लेकर, एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं? वो तो खैर एक चुनावी मुद्दा है, केवल चुनावी मुद्दा है। थोड़ा सा खड़े हो जाइए बातचीत कर लिया जाए भाई, आए हैं बहुत दूर से, आए गोरखपुर से आ गए हम लोग। ठीक है, अच्छा वहीं से हैं, गोरखपुर से ही? जी जी। अच्छा योगी जी का जब नाम आता है तो क्या ख्याल आता है आजमगढ़ में, लोग क्या सोचते हैं योगी जी को लेकर? दहशत? योगी जी मतलब दहशत? जी बिल्कुल। अच्छा फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट तो यही कहती है, ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि योगी जी मतलब दहशत? दहशत बिल्कुल। अच्छा मोदी जी को लेकर क्या? मोदी जी को लेके खैर इतना कुछ बात मैंने नहीं देखा, पर योगी जी को लेके उनसे लोग डर के जो कि बाकी जो अपराध हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश है, वो केवल एक दहशत का रूप है। दहशत का रूप, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए भाई लोग, आप ये राम मंदिर का कुछ इम्पैक्ट होगा 2024 के चुनाव में?
जी बिल्कुल, जैसा कि काफ़ी समय से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था और हमारे बीजेपी सरकार आने की वजह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इसका चुनाव पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। हमारे जितने हिंदू समर्थक हैं पूरा राम मंदिर के बनने से बहुत उत्साहित है, तो जैसा कि बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है और बीजेपी आने वाला है फिर से। ये कहा जाता है कि भाजपा जो है इसको चुनावी मुद्दा बना दी और चुनावी मुद्दा में उसको फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि आप भी यही मानते हैं कि जो है आने वाले 2024 के इलेक्शन में राम मंदिर जो एक मुद्दा होगा वो बीजेपी के फेवर में होगा, तो ऐसा लगता है कि आस्था को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था? ऐसा तो नहीं है कि आस्था को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए, लेकिन हमारे बीजेपी के द्वारा ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और भी सरकारें आई, लेकिन ये चीज़ पे कभी ना तो सुप्रीम कोर्ट सुनाई सर जी बिल्कुल दलील तो जो है तमाम शंकराचार्य वगैरह और जो वहाँ पे वकील थे वकालत उन्होंने की। जी बिल्कुल वकालत हुआ, लेकिन हमारा जो बीजेपी की सरकार है इसकी वजह से इस चीज़ में गतिविधियाँ बहुत एक्टिव रही हैं। जैसा कि अभी ज्ञानवापी मंदिर वहाँ पे मस्जिद था उसको मंदिर में हुआ है, हमारा बीजेपी वहाँ पे सांसद जी मोदी जी हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पास, तो ये सब हमारा जो हिंदू मंदिर है जो प्राचीन समय से काफ़ी राजनीतिक मुद्दे से दबे थे कहीं ना कहीं बीजेपी उस चीज़ को निकाल रहा है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम समाज मान लीजिए आजमगढ़ के मुस्लिम समाज कभी सपोर्ट करेगा बीजेपी को अगर राम मंदिर को लेकर देखा जाए? अब उनके ऊपर है, केवल राम मंदिर से ही तो यहाँ पे हमारे देश का विकास नहीं हो रहा, बहुत सी आर्थिक व्यवस्था हो रहा है, तो देखा जाए तो बहुत सी सारी चीज़ें से हमारे देश की प्रगति हो रही है, वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, तो केवल एक देखा जाए राम मंदिर की वजह से हो रहा तो ये चीज़ नहीं है, और भी क्षेत्र में हमारा मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से मोदी को लाना चाहिए फिर से। मोदी जी आपके क्षेत्र में आजमगढ़ में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, कैसे देखते हैं इस चीज़ को चुनाव के दृष्टिकोण से? चुनाव के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं कि आजमगढ़ का विकास होगा, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, निरहुआ जी यहाँ पे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्रगति होगा, अच्छी सारी मॉल बनेंगे, फैसिलिटी आएंगे, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ का भी विकास है, और चुनावी मुद्दा से देखा जाए तो यहाँ पे सपा का भी गढ़ है तो जैसा माना जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। अखिलेश यादव अगर मैदान में उतर गए तभी निरहुआ का जो है 50-50 का चांस रहेगा? जी बिल्कुल 50-50 रहेगा, क्योंकि आधा वोट तो सीधे बीजेपी के नाम पर आता है, सीधी वजह जितने अंधा भक्त है बीजेपी के नाम पर वोट देते हैं क्योंकि उनको विकास से मतलब है, सीधी अंधभक्त मतलब कहने का मतलब सीधे उनको प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब कहीं भी रहे उनका लॉस ना रहे, ये चीज़ है। अंधभक्त मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस से मतलब ना रहे। महंगाई महंगाई को लेकर कुछ कहेंगे? देखिए इस सब के बारे में तो जीडीपी वगैरह के बारे में इतना भी नॉलेज नहीं है तो क्या कहें, जीडीपी को तो एक नहीं ठीक है बात कर लेंगे, जीडीपी तो अलग चीज़ हो गई, वो बहुत बहुत क्रिटिकल चीज़ हो गई, लेकिन आम तौर पे कुछ चीज़ें जो महंगी आपको दिख रही हो जो अन्य सरकारों में आपको सस्ती नज़र आ रही हो उस तरीके की चीज़ें? नहीं इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें नहीं। क्या नाम है आपका? मंजीत यादव। मंजीत यादव जी यहीं आजमगढ़ से ही हैं? बिहार से। बिहार से हैं आप? अरे ये बताइए कि नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार को लेकर यही कहेंगे पलटू पलटू, हाँ कभी पलट सकते हैं, हाँ। अभी बीजेपी में हो सकता है अगले बार उनको बीजेपी से प्रॉफिट ना मिले फिर वो पलट जाएंगे आरजेडी में आ जाएंगे। एक बात बताइए नीतीश कुमार को लेकर आप पलटू सोचते, मतलब सामने वाली पार्टी खेमे में पलट कर हड़कंप मचा देते हैं? जो अभी तक 9 बार अपना सत्ता पलट किया है वो कभी भी कर सकता है, आगे भी कर सकता है, लेकिन इतना दमखम रखते हैं कि जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की सत्ता बना देते हैं? वो सत्ता नहीं बनाते हैं, वो अपनी पार्टी उनकी हार ना जाए वो अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं, वो कुर्सी अपना छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनकी कुर्सी जिस पार्टी में जाए अगर जैसे लग रहा है इनकी पार्टी अगर मजबूत है बीजेपी की मजबूत है तो तुरंत वो बीजेपी से सट जाएंगे, बीजेपी का हाथ पैर सब कुछ जोड़ सकते हैं वो अपनी कुर्सी के लिए, अगर बीजेपी उस टाइम नहीं मजबूत रहा आरजेडी मजबूत रहा तो आरजेडी के पैर पकड़ लेंगे वो, लेकिन उनको कुर्सी ही बस चाहिए। तेजस्वी यादव जो है सदन में जो है उनको कहें कि अरे हम कुछ आपको कहे थे कोई दिक्कत था कहाँ चले गए आप, हाँ। ये इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? इस पे यही था कि जिसे उनको उस टाइम आरजेडी बहुत फॉर्म में आई, हाँ। अचानक से फॉर्म में उन्होंने आरजेडी का जो तेजस्वी जी वो वादा किए थे कि हम 1.5 साल के अंदर में 2 लाख नौकरियां देंगे, हाँ। और उन्होंने दिया भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी नौकरी देने का श्रेय तेजस्वी को जाता है, तो अपना हर जगह एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हाँ हम दिए हम दिए। देश में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो अपने हित के लिए जो पार्टी जो है छोड़ देते हैं? ऐसे नेताओं की जरूरत है ना, गाली देकर भगाने की जरूरत है, तो नीतीश कुमार को गाली देकर भगाने की जरूरत? हम तो भगा देंगे, अब तो बीजेपी के साथ शामिल हो गए तो बीजेपी से नहीं, पहले से ही हमारे घर वाले लालू समर्थक है और यूपी में देखा जाए तो अखिलेश समर्थक है, हम लोग अखिलेश समर्थक, हाँ यादव जो है इसलिए यादव है इसलिए हाँ जाहिर सी बात है यादव है, यादव के साथ कभी नहीं। मंजीत कुमार यादव, मंजीत यादव जी है और यादव है इसलिए अखिलेश जी का फेवर कर रहे हैं और बता रहे हैं बिहार से हैं और बिहार में लालू जी का फेवर करते हैं। नीतीश कुमार के बारे में पूछने पे कहा इन्होंने कि नीतीश कुमार का जब नाम आता है तो पलटू राम, हाँ पलटू नाम नाम आता है। बाकी अभी हम आजमगढ़ में थे और भी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और भी लोगों से बातचीत जारी रहेगी, बाकी इस तरीके के अन्य वीडियो के लिए बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ।